हम आ चुके हैं रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ का मोस्ट फेमस गार्डन है ये, और आप इसके नाम से ही जान चुके होंगे इसकी स्पेशलिटी है रोज़ेस। इस मौसम में रोज़ेस उगने शुरू हो चुके होते हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या रोज़ेस यहाँ पे, कौन से टाइप के रोज़ेस यहाँ पे आ चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी सबको। तो ऐसे रोज़ गार्डन की एंट्री पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना है। और क्या लग रहा है मुझे आपका फिर इधर आके कैसा लग रहा है? इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वो रोज़ फेस्टिवल लगता है यहाँ पर। तो हम आते हैं, रोज़ फेस्टिवल तो कब लगता है? फेब्रुअरी में लगता है ना? फेब लास्ट फेब। और नीचे बहुत अच्छी ही डिज़ाइन बने हुए हैं यहाँ पे पेंट से, और देखो आप रोजेस दिखाना ना, एक एक अच्छी अच्छी वैरायटीज है यहाँ रोज की, बहुत सारी वैरायटी। कैमरा का लेंस चेंज कर रहे हैं हम। अब हमने जूम लेंस लगा दिया और अब आएंगी बोके वाली जबरदस्त फोटोज। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा? थोड़ा सा हाँ धूप आ रखी हल्की हल्की। तो आप दिखाओ ना हमको अलग अलग टाइप के रोजेस। मैं तो खुद यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, शायद दूसरी या तीसरी लगा। तो देखो रेड रोजेस है ना, तो उनकी लग। चलो फिर देखते हैं। ये तो वाइट रोज़ है। यहाँ पे इन रोजेस का नाम है जून ब्राइड, और देखने में ऐसे हैं, हल्के से रेडिश टिंट है इन पे और वैसे वाइट हैं। मेरे को लग रहा है और बड़े होके वाइट और येलोइश से हो जाते हैं। यहाँ पर है रेड रोजेस, और इतनी वैरायटीज है ना यहाँ रोजेस की, एक नहीं है, बहुत वैरायटीज। इस रोज का नाम किधर लिखा हुआ है? एक प्लेट लगा होगा ना यहाँ पे, नाम लिखा है। देख कितनी जबरदस्त लग रही है। सारे इतने जबरदस्त लगते हैं ना फ्लावर्स। और यहाँ पे मतलब काफी लोग फोटोग्राफी करने आए, वहाँ पर भी एक बंदा फोटोज खींच रहा है, यहाँ पर भी फोटोशूट चल रहा है। बहुत ही मतलब और मौसम कोजी कोजी सा हो रखा है ना, हल्की सी धूप है, ठंडी हवा और धूप। सीजन में लॉन्ग कोट पहली बार पहने मैंने। अच्छा, और यहाँ पर स्नैक्स का भी प्रबंध है, यहाँ पर कोई पॉपकॉर्न्स बेच रहा है कुछ, चार हम तो खाएंगे नहीं बिकॉज कोविड। नहीं जी थैंक यू, अभी नहीं ले सकते। कितने का दे रहा? 20 रुपीज़। अच्छा 20 रुपीज़ का, ले लो फिर देख लो आप। पर दो ये सर, दो ये नहीं, एक ही दो, एक ही दो। नो 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 थैंक यू, अब मेरे को नहीं खाने।
नहीं मेरे को पसंद ही नहीं पॉपकॉर्न। एक यहाँ पे क्या बना हुआ है देखे, इधर रोजेस को पानी देने के लिए ऐसे लगाए रहते हैं। और यहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की है मेरे लिए भी, जब तक उस साइड को, इधर जल्दी आपको ये वाला रोज दिखाता हूँ। बच गए। और यहाँ पर कौन से रोज हैं, ये है गोल्डन जाइंट, जो जाइंट तो बिल्कुल नहीं है, अभी उगेंगे ना फेब्रवरी के एंड तक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर रोज फेस्टिवल होता है। क्या येलो रोज किधर, अच्छा ये है प्रेसिडेंट गर्ल। रोजेज ही रोजेज हैं वहाँ, देखो उधर कितने बड़े बड़े रोजेज लगे हुए हैं। हाँ ये तो एक्सप्लोर करने वाली जगह, अलग अलग वैरायटी के, मतलब मेरे ख्याल जितने वर्ल्ड में रोजेज हैं सारे यहीं पे होते हैं। आप रोज का नाम बोलो यहाँ पे होगा होगा। ये मेरे ख्याल से ये कौन सा है वाला, हो मम्मी जी इसने जबरदस्ती ये ले ली ना पॉपकॉर्न खा रही है। जबरदस्ती ना मैंने नहीं लिया, आपने लिए, मैं तो मना कर रहा था नहीं चाहिए हमको, आपने कहा चलो ले लेते हैं। अरे वो बोल रहा था ना, और मैंने कहा चलो उसकी बिक्री हो जाएगी इसलिए लिए। इस रोज का नाम है सुपर रेड, और नाम से ही पता चल रहा है ये रेड कलर का है। और एक और रोज है, ये मुझे ज्यादा रेड लग रहा है वैसे, ये तो रोज लग भी नहीं रहा, खुल गया हो पूरा रोज, रोज बंद से ही दिखते हैं, ज्यादा ही खुला हुआ था नहीं, वो एक्चुअली पुराना हो गया होगा ना। हाँ ये तो है, ये हैप्पी, इसका नाम है हैप्पी डे, कितना छुपा के रखा है नाम। उधर है ज्यादा उस जगह पे, उधर फाउंटेन में था पर अभी चल नहीं रहा, वो फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है, शाम को इवनिंग में चलते हैं फाउंटेन। हाँ पता नहीं आजकल तो चलते ही नहीं, पर वैसे इवनिंग में सर्दियों में चलते भी हैं, वैसे तो सर्दियों में ही चलेंगे, इस टाइम पे ही तो होता है फेस्टिवल का टाइम भी। हाँ जी नहीं जी अपना तो कैमरा है, तो सब चल रहा है फोटोग्राफी। वो बंदा अभी फोटोज के लिए पूछ रहा था, यहाँ पे सब काफ़ी घूम रहे होते हैं फोटोग्राफी के लिए, इवन आर्टिस्ट भी होते हैं, वो आपका लाइव वहीं पे ही ड्रॉ करते हैं काफ़ी अच्छा, उसको भी आपको दिखाऊंगा मैं, अभी स्केचेस बनाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। हाँ आप देख रहे हो कितने काफ़ी लोग आ रखे हैं, धूप में बैठ के वही खाने के लिए लाएंगे, धूप में बैठेंगे, मतलब अच्छा है, यहाँ पर आओ एक बार रोजेस देखो इतने मज़ेदार, और जो बंदे यहाँ के रोजेस को देखते ही हैं मतलब काफी बार देखा तो आगे बस पिकनिक मनाने आ जाते हैं। देखो ये कितना प्यारा है। हाँ। इसमें डबल वैसे मेरे को लगता नहीं इसके बीच में जाना अलाउड है, पर जा रहे हैं, हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ रोज तोड़ने में फाइन है, तो प्लीज यहाँ पे आए तो रोजेज मत तोड़ें, और अच्छा भी नहीं लगता जब
पौधों में रोजेज उग रहे हैं तो क्यों तोड़ना है ना। और आप खाना बंद करो, कुछ बोल लो यार। चाहो यार उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया तो क्या है, उधर से पापा जी भी आ गए। किधर हैं पापा जी? अच्छा वो आ रहे हैं पापा जी चलते चलते। हेलो हाउ आर यू? फाइन। या यो घूमिंग घूमिंग रोज गार्डन है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बताइए? इट्स वेरी नाइस वेदर एंड योर मॉम इज लुकिंग सो प्रेटी। ओहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा लग रहा है बन्नी जी यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं। हाँ लॉकडाउन में तो बस लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे बस लैपटॉप में काम करते रहते हैं। हाँ, आज बाहर आए थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह तो कितनी ठंड थी कि मैं तो बाहर गया। हाँ, सुबह मैंने रात को देखा 5 डिग्री था टेम्परेचर। बाइक एक्टिव बाहर निकाली थी, बाहर गया बाइक एक्टिव बाहर निकाली और हाथ जम गए मेरे अंदर आते आते। उसके अंदर आके हाथ भी तो धोने थे फिर, उसके बाद और हालत खराब हो गई। हाँ तो अभी यहाँ पे लग रहा थोड़ा गर्म गर्म ठीक सा लग रहा है। कैसी फोटो खींच रहे हो तुम मम्मी से? देखो ओहो वाह हम जी आपकी फोटो इतनी जबरदस्त खींच रहे हैं ना। मैं जबरदस्त हूं तो फोटो जबरदस्त। अच्छा क्या बोला जरा फिर से बोलना। कुछ नहीं नहीं कुछ तो बोला। कुछ नहीं मैंने कहा मम्मी तुम्हारी अच्छी है तभी तो फोटो भी अच्छी आ रही है। अच्छा जी ठीक है। देखो ऐसे एग शेप के से डस्टबिन है और हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न फेंकी होते ही अभी ऊपर ही चढ़ा दी था इन्होंने। ओहो आप तो हम स्विट्जरलैंड पहुँच गए। ओ कैमरामैन कलर उड़ जा रहे हैं। कलर उड़ते नहीं है, तुमको सेटिंग नहीं करनी आती, उसको एक्सपोजर मेंटेन करना। कितना जबरदस्त पाथ है यहाँ पे चलने के लिए भी और इतना अच्छा इधर तो मैं फोटोज खींचने वाला हूँ। ओ कैमरामैन येरा। इधर आके खींचने दे, कितने अच्छा यहाँ पर है व्यू, इधर इतनी जबरदस्त फोटो आएंगी मैं बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। या ये भी है, मैं तो आता ही कितनी बार यहाँ पे, एक बार पहले आया हूँ। क्या लिखा है? 17 प्लाजा। और एक और है यहाँ पे ऑयस्टर पर्ल। इधर आके फ्लावर्स की फोटोग्राफी करने में अलग ही मजा है। जैसे अब देखो ये वाला एंगल पीछे से, ये फ्लावर कुछ ज़्यादा ही अच्छा चमक रहा है, नकली सा ही लग रहा है पर है सब असली। और ये है ब्लैक मैजिक। अरे मेरी शेडो से ज़्यादा ही ब्लैक हो गए। वीडियो thank you.
ये क्या है, ब्रिज बनाए हैं। तो ये था रोज़ गार्डन का टूर। अभी इधर बहुत सारे और भी टाइप के रोजेज, अब सारे तो मैं नहीं दिखा सकता वीडियो में, बहुत बड़ा एरिया है, एरिया तो बहुत बड़ा है। हाँ, आप देख ही रहे हो, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है, मतलब एक्सपोजर ही ख़राब कर रहा है, बाकी दिखने को तो दिख जाता। और इतना ज़्यादा हम इतना एक्सप्लोर अभी कर भी नहीं रहे, पर आप अगर चंडीगढ़ आएँ और फेबररी के टाइम में स्पेशली, तो रोज़ फेस्टिवल विज़िट करें हमेशा, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है उस टाइम पे। नई चीज़ें रहती हैं, हाँ, नई नई चीज़ें, बच्चों के लिए खेलने के लिए और प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स काफ़ी होते हैं। हाँ, और हेलीकॉप्टर राइड होती है। अच्छा, हेलीकॉप्टर राइड। हाँ, हेलीकॉप्टर राइड होती है। तो हेलीकॉप्टर ले जाता है किधर है वो, वहाँ पर कसौली कसाली तक घुमा के ले आता। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड भी रहती है। हाँ, होती है। हाँ, तो मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है। लाइट क्लियर क्या, ओहो बहुत बढ़िया फोटो है, नाइस नाइस। ओ गाइज, ये था आज का व्लॉग, हमने रोज़ गार्डन विज़िट किया और काफ़ी इन्जॉय भी किया, काफ़ी फोटोग्राफी की यहाँ पे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो तो लाइक करियो और सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब। पहला व्लॉग है मेरा, पहला व्लॉग है मेरा, और अगर आप ऐसे लाइक करेंगे और मोटिवेशन मिलती है हमको, मैं और भी ऐसे व्लॉग्स लाता रहूँगा। वी विल एक्सप्लोर चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के और व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।